तैयार है दोस्तों। दुनिया के टॉप 20 गांव में शामिल हुआ छत्तीसगढ़ का यह गांव। खूबसूरती ऐसी कि मन मोह लेगी। चलिए आपको लेकर चलते हैं बस्तर की धूड़मारास गांव में। चित्रकूट वाटरफॉल, दोस्तों यहां पर बोटिंग करने का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है अक्टूबर से लेके पूरे गर्मी तक। तो चलिए बोटिंग करने चलते हैं। वहां नीचे जाना पड़ेगा, वहां से टिकट कटाएंगे। जैसे वो बोट आ रहा है वो पूरा ऐसे घूम के यहाँ नीचे वाटरफॉल के पास आता है, बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। चलिए चलते हैं। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जाने वाले हैं चित्रकूट वाटरफॉल, यहाँ पर बोटिंग करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से देखिए भाई वाटरफॉल, क्या बात है, खूबसूरत चित्रकूट वाटरफॉल। तो हम बैठ चुके हैं और जा रहे हैं, थोड़ी देर में वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अभी तक ऊपर से देख रहे थे, अब नीचे जा रहे हैं भाई। एक्साइटेड? बहुत बहुत मजा आ रहा है। चित्रकूट में पहली बार बोटिंग कर रहा है। अब आने वाला है मजा। देख रहे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत छोटा सा धार गिर रहा है, पर यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि भैया बहुत पानी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया बोटिंग करके। अब नीचे आ गए हैं, अब जा रहे हैं। आपको भी बोटिंग करना है तो इसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और मैं तो बोलता हूँ आप 2 से 3 बार जाओ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बोटिंग करने के लिए एक बार और निकल चुके हैं। ये देखिए इतने सारे लोग, इस बार 30 लोग जा रहे हैं, उस बार हम लोग 20 लोग गए थे, इस बार 30 लोग। तैयार है दोस्तों? चलो चलते हैं भाई अब एडवेंचर पे। ये क्या बात है यार, दूसरी बार आ रहे हैं भाई। बोटिंग नहीं किए भाई तो कुछ नहीं किए। आइए आप भी चित्रकूट वाटरफॉल में बोटिंग करने के लिए। दोस्तों ये सुबह का 5:30 बजे है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक। आज हम रुके हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क के ध्रुवा डेरा होम स्टे में। आज बहुत ज़्यादा फॉग है, हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। इससे पहले भी एक और वीडियो बनाया था, वो भी आप शायद देखे होंगे।
तो अभी हम निकल रहे हैं वॉक करने के लिए। मेरे साथ और भी बहुत सारे टूरिस्ट हैं, वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं, पर दिख नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं। ये देखिए सारे लोग पहले ही उठ चुके हैं, मैं ही लेट हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जोहार, जय जोहार। दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग के द्वार में हो। केवल धुंधी धुंध, जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट, असीम शांति, ये है यहाँ पर। चलिए दौड़ते हैं थोड़ा देर। नदी की साउंड आ रहा है, चलते हैं आगे। दोस्तों हम कांगेर नदी के पास पहुंच चुके हैं। देखिए कितना ज़्यादा धुंध है यहाँ पर और कितना बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। तो ये है बस्तर का जादू। यहाँ पे कोई ढेकी से धान कुट रहा है। मक्का का है। अच्छा मक्का पीस। यहाँ पर मक्का कुट रही है दादी। देखिए ये है मक्का, मक्का का सूप बनता है। बहुत है भी यार, देख के लग रहा है। ये मक्का वो है क्या, भुट्टा? हाँ भुट्टा है। एक बार कूट के देखो तो रूबी, वैसा करके देखो। मुझे भी करना है। तो इससे पेज बनने वाला है। यहाँ कोठा है। इधर है तुर्वा ट्राइब्स का। सुबह सुबह नेचर वॉक के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं काइकिंग और बम्बू राफ्टिंग करने के लिए। अभी एक साल के बाद आ रहा हूँ तो अभी देखते हैं कैसा है। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, यहाँ से आपको टिकट कटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका शुल्क कितना है वो दिखाया था हूँ आपको। यहाँ पर काइकिंग करते हैं तो प्रति व्यक्ति 100 रुपये है, बम्बू राफ्टिंग करते हैं उसका शुल्क है 200 रुपये। यहाँ पर हूँ मैं, ये देखो यहाँ से एंट्री है और कुछ अभी इस तरह का एंट्री बना दिए हैं, बहुत बढ़िया, पूरे बांस से, क्या बात है, बढ़िया। चलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। चलिए कांगेर धारा के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे वेटिंग रूम बना है, देखिए क्या बढ़िया से। और ये है
अंगेर नदी, तो यहाँ पर ब्रिज है, यहाँ पर डस्टबिन है यार, देखिए क्या बात है, कचरा भी डाल के रखे हैं, और यहाँ बैठने के लिए ऐसा पेड़ कटा हुआ है उसको रखे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और धीरे देखिए चलिए चलते हैं और करके आते हैं बम्बू राफ्टिंग और कायकिंग। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर भी बैठने के लिए ऐसा कुर्सी बनाया गया है, और ये है बम्बू राफ्टिंग और कायकिंग के लिए। तो कायकिंग पहले करते हैं फिर बम्बू राफ्टिंग करेंगे। तो हम निकल गए हैं, अभी बम्बू राफ्टिंग के लिए निकल गए हैं। वाह दोस्तों, वहाँ पर देखिए कायकिंग हो रहा है और इस साइड बम्बू राफ्टिंग, वो निकल रहे हैं, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कैसा लग रहा है ऋषभ भाई आपको? बहुत अच्छा सर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे ये नहीं सोचे थे बस्तर में। पहली बार आए हो क्या? मैं पहली बार आ रहा हूँ और पहली बार मैं इतने सारे जगह स्पॉट किए, तो जितना सोचे थे उससे हाई लेवल बहुत हाई किया है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मस्त, ये वाला चीज़ तो मेरे को पहले ही करना था। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बस्तर में पहले दो बार आ चुका हूँ, लेकिन पहली बार मैं आपके साथ में आया तो ये बम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जी। जो कोई बस्तर आ रहा है उसको यहाँ आना चाहिए। धूर्मा रास, यहाँ पे बम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग होता है। आप भी बस्तर व छत्तीसगढ़ घूमना चाहते हैं तो अपकमिंग ट्रिप के अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। कैसा लग रहा है आरती? तो यहाँ पर एक चूहा है, वहाँ से पानी पीते हैं। चलो कैसा है भैया पानी? बहुत मीठा है, अलग टेस्ट आ रहा है, मतलब अलग नेचुरल टेस्ट आ रहा है। अच्छा, अच्छा और पी के देख तो आरती, मुझे भी टेस्ट करो, भर के ग्लास दो, भर के। सदियों से प्यासी हूँ मैं जंगल पानी पीने के लिए। हाँ। पहले तो ग्लास देखो। कैसा लग रहा है? बिस्लरी फैल है। बिस्लरी फैल है।